स्थानीय नेताओं ने तो जो ये नेशनल हाईवे होता था हमारा जो महेंद्रगढ़ अवनानो रोड है, इसको खुद की राजनीति चमकाने के लिए इसको स्टेट में ले लिया गया। जबकि केंद्र के अंदर सांसद साहब ने कहा था कि इसको एनएच के पास रहने दीजिए। तो सांसद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो दो बार सांसद रह चुके हैं, उनके सुपुत्र गांव गांव जाके वोटों की अपील कर रहे हैं और अभी सीसोट गांव में पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के पास। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बताइए। परेशान हो रहे होंगे सुबह शाम रात, कोई समय नहीं मिल रहा आराम करने के लिए? ये तो देखो राष्ट्र के लिए चुनाव है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। कैसा लग रहा है जब गांव में जा रहे हैं? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है क्योंकि देश का चुनाव लोगों का चुनाव है। क्या कह रहे हैं गांव वाले जब आप जाते हैं तो? सबसे ज्यादा वही प्यार बहुत देर, आप देख सकते हैं कि जिनका समय 3:30 बजे का था, शाम के 6:15 बजे तक यहाँ बैठे हैं और प्रत्येक आदमी ये कहता है कि भाई बेटा चिंता ना कर, ये देश का चुनाव है, हम देश के हित में। दो बार आपके पिताश्री सांसद रहे हैं, तीसरी बार आप लड़ रहे हैं, तो दो योजनाओं में बड़े काम हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हुए, अब की बार क्या योजना है आने वाले 5 साल? देखिए हमारी योजना ये है कि इस देश के अंदर जब 60 साल एक सरकार ने ऐसा काम किया, देश के विभाजन कर दिए, विकास के नाम पे ढकोसले दे दिए, तोड़फोड़ कर दी, हमें बांट दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी तक उनके गड्ढे भरे हैं, अब विकास का कार्य आप देखना आने वाले 10 साल में ऐसा होगा कि दुनिया का सबसे प्रथम देश हिंदुस्तान बन के दिखाएगा। एक अलग सा सवाल है आपको, अगर बुरा ना लगे तो, मैं लोगों से बहुत जगह बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि हम हो सकता है चौधरी धर्मवीर को वोट नहीं दे लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे, तो ये पॉइंट क्यों निकल के आता है? देखिए बात ऐसे है कि लोगों की अपेक्षाएं हमेशा होती हैं, लेकिन एक बात मैं आपके स्वयं रखता हूँ आपके माध्यम से। इस देश के अंदर जब पार्लियामेंट चलती है, साल में 6 महीने लोकसभा होती है, 6 महीने उसके नॉन वर्किंग डे होते हैं, उन नॉन वर्किंग डे में उनका प्रयास होता है कि फाइलें निकलें, चाहे रोडों का हो, पानी की कनेक्टिविटी का हो, हर मसले का समाधान जब निकलता है, जब वर्किंग मीटिंग के पास बैठते, टीम के पास बैठ के, सेक्रेटरी के पास बैठ के, पीएमओ ऑफिस में जाके क्लियर हो। इसके लिए भी कई लोग सोचते हैं कि सांसद साहब को उनके पास आना चाहिए, परंतु उनका जितना समय बचवाता है इन ऑफिस से निकाल के, क्योंकि एक लोकसभा 1200 गाँव के ऊपर है और विधानसभा 100 गांव के ऊपर। अगर आप लोकसभा की अगर मतदान देख के आबादी देखे तो 21 लाख आदमियों के ऊपर एक है और विधानसभा के ऊपर लाख सवा लाख के ऊपर, तो विधानसभा का आदमी ज्यादा घूम पाएगा, लोकसभा का अगर हर जगह घूमेगा 1200 में तो उसका टाइम बहुत लगता है। आज एक तरफ शिवानी की बेल्ट हो, दूसरी तरफ नांगड़ चौधरी की बेल्ट हो, किलोमीटरों में भी निकालोगे तो लगभग 160 हो जाता है और 160 किलोमीटर आपके कम से कम 2.5 घंटे लेगा। फिर प्रत्येक गांव में आप जाते हो, कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, तो उसमें आदमी की अपेक्षा यही होती है कि लोकसभा का सांसद मेरे घर में खुद आए। प्रयास हमारा यही होता है जितना समय हमें मिल पाए हम हर आदमी के पास जाए। आपके विपक्ष में दो बार चुनाव, तो काफी बार चुनाव लड़ा है, क्या कितना प्रभाव डाल पाएंगे किरण चौधरी उधर से? किरण चौधरी जी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही। उन्होंने लड़े हैं, अब की बार तो नहीं लड़ रहे, लेकिन देखो वो अपना कार्य, देखिए पार्टी का चुनाव है, देश का चुनाव है, जिसकी जितना हिम्मत होगी उतना करेगा, अपना योगदान जो भी देगा वो दे सकता है। अहिरवाल क्षेत्र में आज आप यहाँ खड़े हैं, हाँ। तो यहाँ भी दो नेता लड़ रहे हैं, जो अहिरवाल कास्ट फैक्टर हो जाता है बहुत सी जगह, तो वो क्या प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए मैं एक बताता हूँ, ये देश का चुनाव है, आप वहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आप ये बात कह सकते हैं कि हमने स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर सरकार कौन सी बनानी है। प्रत्येक आदमी जानता है कि ये चुनाव तय करेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मैं इतना मानता हूं कि हर व्यक्ति आज के समय समझदार है, वो जाति समीकरण में नहीं बटेगा, वो देश हित में फैसला करेगा। तो ये मैसेज लोगों के लिए है, जाति में मत बटो। बिल्कुल, क्यों, ये देश का बात है, ये प्रदेश के चुनाव की नहीं है, ये देश के लिए है। कल के दिन कोई ऐसी सरकार बन जाए जो दोबारा अंधकार में डाल दे हमारे भविष्य को। हर व्यक्ति चाहता है कि देश की उन्नति करे और हर आदमी, चाहे वो अहीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे वो किसी समुदाय से हो, वो देश के लिए सोच रहा है, आपस में बटने के लिए नहीं, वो देश के हित में जा रहा है। अभी आप कह रहे थे गड्ढे तो भर चुके हैं, अभी इमारत बननी शुरू होगी, तो उनमें मेन फैक्टर क्या रहेगा? देखिए डेवलपमेंट के मामले में हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश, बेरोजगारी का देखिए आज के समय योग्यता के आधार पर सबसे ज्यादा नौकरी देने लगे, हर बच्चा मेहनत करता है। आज बड़े सौभाग्य से मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, पेपरों के आधार पर बच्चा नौकरी प्राप्त करने लग रहा है। आज के समय बच्चों को प्राइवेट कंपनियां भी बहुत हायर करने लग रही है, क्योंकि रोजगार सरकारी नौकरी से पूरा नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनियों से। हाँ, आज हमारा सपना ये है कि आने वाले समय में हरियाणा को, जहाँ कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता था, साथ के साथ उसको इंडस्ट्रियल हब भी माना जाए, ताकि रोजगार घरों के अंदर आ पाए। यहाँ एक पत्थर लगा था एमपी का, क्या अब की 5 साल में वो
उपज पाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार की योजना पूरी है। कई बार क्या होता है, स्थानीय नेता इस चीज के ऊपर अड़चन डालते हैं। आप पहले बात ही जानते हैं, कई स्थानीय नेताओं ने तो जो ये नेशनल हाईवे होता था हमारा, जो महेंद्रगढ़ नानो रोड है, इसको खुद की राजनीति चमकाने के लिए इसको स्टेट में ले लिया गया, जबकि केंद्र के अंदर सांसद साहब ने कहा था कि इसको एनएच के पास रहने दीजिए, नेशनल हाईवे बनने दीजिए, सबसे तरक्की में बढ़ेगा। परंतु स्थानीय नेता ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको स्टेट में डलवाए रखा। जैसे गांव-गांव जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, कितने वोटों का मार्जिन रहेगा, कितने वोटों से जीत? मैं ये मानता हूँ मार्जिन बढ़ेगा पिछली बार से, पिछली बार से। हाँ, तो 5 लाख पार कर जाएगा अंदाजा तो पूरा यही है, संभावना भी पूरी यही है, क्योंकि लोगों का विश्वास देश के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सांसद साहब के पुत्र मोहित चौधरी जी हमारे साथ थे गांव सीसोठ में, और यहाँ इनका कार्यक्रम हुआ, लोगों ने मान सम्मान किया, और इनका मानना है कि जो 4:44 का जो एक रेशियो था जीत का, वो अब की बार बढ़ेगा। तो वो कितना बढ़ेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपके क्षेत्र में किसकी हवा है, किसको आप वोट देने वाले हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, या विकास के आधार पे या किस आधार पे आप वोट देने वाले हैं। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ सेक्शन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।